हेलो दोस्तों, आप में से कई लोग अभी रिसेंटली अपनी एग्ज़ाम देकर आए होंगे। 10th, 11th या 12th किसी की भी आप एग्ज़ाम दे के आए होंगे और आप सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हैं कि आप IIT प्रिपरेशन करते हैं इंदौर से, तो आप अपने सबसे बेस्ट कोचिंग ढूंढ रहे हो। जहाँ आप चाहते हो अगर 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करते हो तो आपके पैसे वेस्ट ना हो, आपका सिलेक्शन भी हो जाए और पैसे भी वेस्ट ना हो। कई लोग अलग अलग होते हैं जो ज़्यादा पे फीस कर सकते हैं, कम पे फी करते हैं, अलग अलग कोचिंग्स कम फीस लेती है, ज़्यादा फीस लेती है, उसके हिसाब से वो कितनी बेस्ट है। अगर वो फीस ज़्यादा लेती है लेकिन उसकी स्टडीज अच्छी नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ, पैसे ही वेस्ट हुए। और ये सब चीज़ें आपको वही बता सकता है जो अभी प्रेजेंटली कोचिंग कर रहा है इंदौर का। जैसे मैं प्रेजेंटली एल एन इंदौर में हूँ और यहाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ IIT की, तो मैं ही आपको सबसे अच्छे बेस्ट तरीके से बता सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि एलन बेस्ट है, जो बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, ये मत सोचिए कि इस पर कम व्यू है, इसके सब्सक्राइबर्स कम है, तो ये अपने क्या बता पाएगा। जो प्रिपरेशन आपके कर रहा है IIT के एलन इंदौर से, वो बता सकते हैं कि बेस्ट कोचिंग्स कौन सी है, एलन में कैसा वो है, मतलब कैसा माहौल है, कैसा पढ़ाते हैं, कैसे फैकल्टीज हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, अलग अलग कोचिंग के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। सबके बारे में बताऊंगा कि बेस्ट कोचिंग्स कौन कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं, पहली पहली जो है वो है कल्पवृक्ष। बेस्ट कोचिंग है एलएन इंदौर तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन इंदौर की सबसे बेस्ट कोचिंग IIT की कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष में क्या होता है, इस साल से इसने मेडिकल का भी वैसे स्टार्ट कर दिया है, मेडिकल प्रिपरेशन के लिए भी। तो कल्पवृक्ष में सुबह 6 बजे से आपको रात में, मतलब 6 नहीं 7 बजे से सुबह और रात के 9 बजे तक वहीं बच्चों को बैठा के रखते हैं। 13 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कल्पवृक्ष का बेस्ट रिजल्ट आया है। इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ तक कि कोटा भी किसी कोचिंग का भी नहीं आया है। मतलब पहले बच्चे इसके पास कम है और सब बच्चों को इतने इतने घंटे पढ़ाएगा तो बच्चा तो सक्सेसफुल हो गई। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कल्पवृक्ष में आना जरूरी है। जैसे इसी साल 2020 के जो अभी मेंस हुआ है रिसेंटली जनवरी वाला, तो इसमें 99% प्लस 95 बच्चों को आया है। 95 बच्चों को, सुन रहे हो, इतना तो एलएन में इतने बच्चे होने के बाद भी, एलएन इंदौर में इतने बच्चे हैं फिर भी किसी के नहीं इतने, मुश्किल से 50-60 बच्चे होंगे जिनके 99% प्लस है, इतने बच्चे होने के बावजूद। तो बेस्ट जो कोचिंग है फर्स्ट नंबर पे वो है कल्पवृक्ष। इसके डायरेक्टर्स ये हैं, विजीत जैन और गीतिका मैम। नेक्स्ट कोचिंग जो है वो है कैटलाइजर। जैसे कल्पवृक्ष बहुत 13 घंटे की कड़ी मेहनत कराता है, वैसे ही कल्पवृक्ष ने भी अभी स्टार्ट किया है कैटलाइजर, मतलब वैसे ही कैटलाइजर ने भी अपना स्टार्ट किया है। कैटलाइजर का एक गुरुकुल है भी स्टार्ट हुआ है। हाँ, कल्पवृक्ष जो है, ये जो हमने पहले फर्स्ट नंबर पे देखी, कल्पवृक्ष की फीस क्वाइटली हाई है। मतलब मैं जब एडमिशन लेने गया था तो 1,70,000 बताई थी मुझे 1 साल की वेल्थ की, अभी तो 1,80,000 हो गई होगी लगभग। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कल्पवृक्ष, अफोर्ड ज़रूर करिए। अगर नहीं कर सकते तो बेटर, हमें आगे भी ऑप्शंस मिलेंगे। कैटलाइजर का गुरुकुल है, इसकी फीस भी लगभग कल्पवृक्ष से थोड़ी कम है, बाकी बहुत ज़्यादा ही है अगर आप गुरुकुल ज्वाइन करते हो। अगर गुरुकुल नहीं ज्वाइन करते, नॉर्मली आपको ऐसे स्टूडेंट ज्वाइन करना है जैसे एलएन में आप स्टूडेंट ज्वाइन करते हो, तो इसकी फीस क्वाइटली से अबाउट होगी 7, मतलब मैं जब गया था इसमें तो 70,000 बोला था मुझे, 70,000, और बाकी कम करा के मैं 60 तक आ गया था। मैंने एग्ज़ाम दी थी उसके थ्रू, बोसोन कैटलाइजर की एग्ज़ाम होती है। ये है कैटलाइजर का गीता वन कैंपस, जो सबसे अच्छा कैटलाइजर का कैंपस माना जाता है। नेक्स्ट कोचिंग जो है एलएन, इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा, एलएन इंदौर। ये इसका मेन सेंटर जो है साउथ टू कच्छ में है, और इसकी फीस है 1,16,000। हाँ, 1,16,000 IIT के लिए। अगर आप 11th में हो, 12th में हो और या ड्रॉपर हो, तीनों के लिए लगभग 1,20,000 के अंदर अंदर आ जाएगी। 1,20,000 के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलएन इंदौर का भी एक फ़ायदा है कि एलएन इंदौर, अगर आप ड्रीम स्टूडेंट हो तो ये आपके अलग बैच बना देता है। कोहिनूर बैच से ही सिलेक्शन होते हैं एलएन इंदौर में। एलएन के जितने भी रिजल्ट होते हैं वो कोहिनूर बैच से ही होते हैं। ये अपने अलग से एक बैच बना देता है, उन्हें रखता भी वहीं है, हॉस्टल भी उसी का, और टीचर्स भी अवेलेबल जब फोन।
रिजल्ट आपको देने पड़ेंगे उनको, और आपकी फीस भी कोई नहीं लगेगी। तो इसका एक एग्ज़ाम होता है ASET नाम का, ASAT। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कहाँ इसकी एग्ज़ाम कब होने वाली है, और आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नोट करिएगा मेरे पॉइंट को। नेक्स्ट कोचिंग है, नेक्स्ट कोचिंग नहीं, अब चौथा चीज़ जो है वो लोग क्या बेटर ऑप्शंस, आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग टीचर्स के पास सेपरेट कोचिंग कर रहे हैं। जैसे इंदौर के 3 बेस्ट टीचर्स हैं, जैसे आपने फिजिक्स में जिसकी महारत हासिल है, केमिस्ट्री में, मैथ्स के, सबसे एक एक सबकी क्लासेस जाते हैं अलग अलग, और जैसे इनका भी कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे राय सर केमिस्ट्री क्लासेस हैं, ये बेस्ट सर है इंदौर के केमिस्ट्री के लिए, राय सर, ये गीता, उनके नंबर से आप नोट कर लीजिए, ये पलासिया का है, पलासिया में इनका सेंटर है राय सर। जैसे ये केमिस्ट्री है, वैसे मैथ्स में है, मैथ्स पर प्रदीप सर, या एलन का, इनका इनका एलन का एक्सपीरियंस है, पिछले साल 2-3 साल पहले इन्होंने एलन छोड़ा, मैथ्स के बेस्ट टीचर है एलन, ये प्रदीप सर भी। और फिजिक्स के लिए, हाँ फिजिक्स के लिए हमारे पास 3 टीचर्स हैं, 2 टीचर्स हैं, एक है ज्वाला सिंह सर, इनको आकाश का, फिटसी का, 2-4 जगह का एक्सपीरियंस है ज्वाला सर को, एक जी के आर सर फिजिक्स है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट उनके मिल जाएंगे, जी के आर सर फिजिक्स आपको मिलेंगे इंडस्ट्री हाउस में, और ज्वाला सिंह सर मिलेंगे आपको पलासी और गीता भवन के बीच में, उनकी यहीं पर कोचिंग लगती है, एक ही सेंटर से इनके। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट से मतलब आकाश मेडिकल के लिए उतना अच्छा है, पर उसके लिए अच्छा नहीं है, IIT के लिए अच्छा नहीं है।